सुप्रभात दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। काशी विद्यापीठ से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आपका जो परीक्षा शुल्क लगा था पिछले सत्र में, वही दूसरे सत्र में जो है समायोजित कर दिया जाएगा। अगले सत्र में परीक्षा शुल्क का समायोजन। काशी विद्यापीठ में परीक्षा शुल्क वापसी की छात्रों की मांग पर प्रशासन ने निर्णय लिया है कि कुलपति प्रोफेसर AK त्यागी की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि पिछले सत्र में जमा परीक्षा फीस जो है परीक्षा शुल्क वो 40% अगले सत्र में समायोजित करी जाएगी और अगले सत्र की फीस में छात्रों के लिए एक सुविधा मिलेगी। छात्रों का कहना था कि हमारी जो परीक्षाएँ शुल्क है उसको कम किया जाए, तो आपके प्रोफेसर AK त्यागी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो परीक्षा शुल्क इस वर्ष लगा है वो नेक्स्ट ईयर के लिए आपके 40% उसमें आपका समायोजन किया जाएगा। उसका मतलब 40% को की एक तरीके से छूट मिलेगी आपको परीक्षा शुल्क में नेक्स्ट ईयर के। और BA MS की परीक्षा के आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ा के 5 तारीख तक कर दी गई है। आप BA MS में जो छात्र है वो 5 अगस्त तक अपने जो है परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। काशी विद्यापीठ में BA MS की परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 5 अगस्त तक बढ़ा दी गई है और पहले यह तिथि 2 अगस्त तक थी। जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर नवरत्न सिंह ने बताया कि जो परीक्षाएं 2018-19 के मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे वो ये पूरे परीक्षा संघ सभी विषयों की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यानी जो लोग अपना पेपर नहीं दे पाए थे या फिर जो लोग पास नहीं कर पाए थे वो फिर से ये सब फॉर्म भर के पूरा परीक्षा में बैठ सकते हैं। तो ये आपकी तिथि बढ़ा दी गई, सबसे बड़ी यही न्यूज़ है कि जो 2 तारीख तक मतलब फॉर्म भरने का लास्ट डेट था वो 5 तारीख तक कर दिया गया है। और परीक्षा शुल्क से रिलेटेड बहुत ही अच्छी खबर है कि आपका इस सत्र में जो परीक्षा शुल्क लगेगा नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सेमेस्टर या फिर जो ईयर है उसमें आपका परीक्षा शुल्क जो है वो 40% जो है इस परीक्षा शुल्क का जो है आपको उसमें समायोजित कर दिया जाएगा। तो और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। धन्यवाद।